तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। तो यार, आज को एक और न्यू वीडियो के साथ वापिस। और आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए इन्फिनिक्स जीटी 10 प्रो का पबजी टेस्ट लेके आ चुका हूँ भाई। इससे पहले मैंने इसका पबजी टेस्ट एक बार और करा था, लेकिन तब इसकी जो ग्राफिक सेटिंग्स है ना, स्मूथ प्लस एक्सट्रीम भी देखने को मिल रही थी बीजीएमए के अंदर। लेकिन अभी कल बीजीएमए के अंदर अपडेट आ गया और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर 90 FPS का ऑप्शन हमको देखने को मिल गया भाई। कितनी ज्यादा तगड़ी बात हो गई है कि इस वाले स्मार्टफोन का जो प्राइस है 19,000 रुपए है और इसके अंदर हमको 90 FPS देखने को मिल रहा है भाई। अभी भाई वही हम चेकआउट करने वाले हैं कि इसके अंदर का जो 90 FPS है वो कैसा वर्क कर रहा है भाई। वीडियो पसंद आया था जरूर से आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी बिल्कुल भी टाइम हम बर्बाद नहीं करते, जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं भाई। स्पेसिफिकेशन भाई इस वाले स्मार्टफोन की आपको पता ही होगी, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। तो जो भी सारे स्पेक्स है ना, स्क्रीन के ऊपर आपको लिखी हुई दिख जाएगी। प्रोसेसर इस वाले स्मार्टफोन के अंदर डायमेंसिटी 8050 वाला देखने को मिलता है। 120Hz का एमोलेड डिस्प्ले है, 5000mAh की बैटरी है, 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बेस वेरिएंट में 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है और इसका जो प्राइस है वो है 20,000 रुपीज। जो फोन है ना उसके अंदर अभी 80% बैटरी एंड में चेकआउट करेंगे कितना परसेंट ड्रॉप कर रहा है। और अपने टेस्ट के अंदर जो ब्राइटनेस वॉल्यूम वगैरह रहेगा वो मैक्स रहेगा और बीजीएम का टेस्ट कर रहे हैं। अभी जो ग्राफिक सेटिंग्स है ना, स्मूथ प्लस 90 FPS हो गई है। बैलेंस पे आते ही वो अल्ट्रा हो जाती है, बैलेंस पे एक्सट्रीम भी नहीं है, HD एक्सट्रीम और HDR तक एक्सट्रीम रहता है, यही मैक्स सेटिंग्स की देखने को मिलती है। बस जो पहले ग्राफिक सेटिंग थी वो ये थी और अभी यहां तक भी आ गई है स्मूथ प्लस 90 FPS तक। तो सबसे पहले मैच हम इसके अंदर स्टार्ट कर रहे हैं स्मूथ प्लस 90 FPS की ग्राफिक सेटिंग्स पे रख के TDM का। देखो जो जायरोस्कोप सेंसर है वो प्रॉपर एक्टिव है, स्पीकर्स भी काफी लाउड है क्योंकि डुअल स्टीरियो स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं। गेमर्स के लिए हेडफोन जैक भी है भाई इसके अंदर यहां पे, ताकि आप लीड वगैरह लगा के गेमिंग कर पाओ आराम से। और स्मूथनेस भी पहले से ज्यादा हो गई है भाई, स्मूथनेस तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन जो करेक्टर है ना, देखो ऐसे अटक अटक के चिपक के चल रहा है थोड़ा। तो भाई एक मैच अभी हमने कंप्लीट कर लिया TDM का और स्मूथ प्लस 90 FPS जो है ना उसके अंदर उतनी ज्यादा स्मूथनेस नहीं है, वो प्रॉपर 90 FPS नहीं दे पा रहा है। बट 60 से अबव FPS आपको डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। गेम के अंदर थोड़ा थोड़ा जिटरनेस भी देखने को मिल रहा है, बट कोई चक्कर नहीं है भाई, ठीक है। 60 से तो अब वाले FPS हमको देखने को मिल रहे हैं। बाकी पिछली बार हम सानोक नहीं कर पाए थे तो इस बार हम सानोक का मैच करके देख रहे हैं नेक्स्ट, और जो सेटिंग्स है वो स्मूथ प्लस 90 FPS वाली ही रख रहे हैं सेम। जंप करते हैं, देखते हैं भाई, काफी ज्यादा ड्रॉप हमको देखने को मिला 40-45 FPS तक का। अरे रे, एक और स्टार्ट कर लिया भाई हमने। चलो भाई जम करते हैं, देखते हैं। अभी पहले के मुकाबले में ड्रॉप कम था, लेकिन फिर भी ड्रॉप हमको देखने को मिला है। अरे कहां से, अरे बड़ी दूर से मार लिया। अभी हमने दो सानोक के मैच कंप्लीट करे हैं और जम करते हुए ना यहाँ पे हमको थोड़े से फ्रेम ड्रॉप देखने को मिले थे। पहले मैच के अंदर थोड़े ज्यादा ही देखने को मिले थे 40-45 FPS वाले, लेकिन नीचे की जो फाइट है वो काफी बढ़िया यहाँ पे चला रहा था ये वाला, बिल्कुल कॉन्स्टेंट चिपक के 90 FPS नहीं दे पा रहा है, बट फिर भी काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 60 से अबव वाले FPS ऑल द टाइम हमको देखने को मिल रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। बाकी अभी जो हम नेक्स्ट मैच स्टार्ट करने वाले हैं ना, इसका एक एरेंगल का और करके देखते हैं एरेंगल के अंदर कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। चलो भाई जम करते हुए हम चेकआउट करते हैं इसके अंदर। इरेंगल के अंदर भी ड्रॉप हमको डेफिनेटली देखने को मिला और ये भी 50 FPS वाला ड्रॉप था। थोड़े थोड़े ड्रॉप्स कर रहा है भाई ये फोन, भागते भागते पकड़े बहस किया भाई, थोड़ी देर पहले ना मार सकता था। तो भाई इसके अंदर अभी हम एक रैंगल का मैच कंप्लीट करके आ गए हैं भाई, लेकिन जम करते में है ना इसके अंदर अभी भी हमको फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिले हैं। सानोक के मैच के अंदर भी देखने को मिले थे, खैर सानोक थोड़ी सी अलग ही बात हो जाती है, सानोक में तो अच्छे अच्छे फोनों के पसीने छूट जाते हैं, तो फिर भी किस खेत की मूली है। लेकिन भाई रैंगल के मैच में ना सानोक के कंपेरिजन में काफी ज्यादा कम ड्रॉप्स थे, नीचे फाइट के दौरान काफी ज्यादा स्मूथनेस के साथ चला रहा था, कोई दिक्कत मेरे को ऐसी देखने को नहीं मिली है इसके अंदर।
रुक जाओ भाई जरा, मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ जरा। एक बार इसका टेम्परेचर फटाफट से और चेक कर लेते हैं कितना पहुंच गया है। फ्रंट से भाई 38.4 चल रहा है ये, बैक से 36.3 है, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर है ये 32.4 है भाई। तो ज़्यादा हीट तो नहीं हुआ है अपने डेस्क के अंदर। बाकी गेमिंग करते हुए आधा घंटा हमको कंप्लीट हो गया, तो यहीं पे हम स्टॉपवॉच को स्टॉप करते हैं और फेंक देते कोने में कू। तो भाई देखो 73% बैटरी अभी भी इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बची हुई है। तो इसके अंदर ना भाई सिर्फ 8% का ड्रॉप हमको देखने को मिला आधे घंटे गेमिंग के बाद, और अगर आप एक घंटे गेमिंग भी करोगे तो 16-17% का ड्रॉप हमको देखने को मिलता है। इससे पहले मैंने इसका जो वीडियो डेडिकेटेड वाला बना रखा ऑलरेडी, इसलिए इस वाले टेस्ट को हमने थोड़ा सा छोटा रखा है भाई, क्योंकि हमको मेनली ना 90 FPS टेस्ट करना था इसका कैसा रहने वाला है। बाकी नॉर्मल स्मूथ 60 FPS पे तो बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस देता ही है ये वाला स्मार्टफोन। आप चाहो तो 90 पे ना खेलना, अगर आपको लगता है 90 पे गेम ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और स्लो स्लो सा लगता है, तो आप स्मूथ एक्सट्रीम पे भी करके खेल सकते हो भाई। तो ये वाला जो स्मार्टफोन है ना, पहले तो काफी ज्यादा तगड़ा था ही, जब इसके अंदर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम की ग्राफिक सेटिंग्स हमको देखने मिल रही थी और इतनी सारी चीजें जो भर भर के दे दी गई है ना हमको 20,000 रुपए के अंदर, तो उसके अंदर ये वाला स्मार्टफोन काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता था। लेकिन अभी इसके अंदर ना 90 FPS और दे दिया गया है, तो ये और ज्यादा तगड़ा हो गया है। अब बस एक चीज की बात है कि इसका जो 90 FPS है ना, वो प्रॉपर 90 FPS नहीं है, बीच बीच में थोड़े से ड्रॉप्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी भाई जो पहले की ग्राफिक सेटिंग थी स्मूथ प्लस एक्सट्रीम वाली, उसके कंपेरिजन में तो काफी ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि 60 से अबव वाले FPS अब आपको ऑल द टाइम देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अगर आप इस वाले स्मार्टफोन के बारे में थोड़ा डीप में जानना चाहते हो या फिर अनबॉक्सिंग वगैरह देखना चाहते हो, तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने करी थी, एंड स्क्रीन के अंदर ना मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो भाई। बाकी यार ये वाला जो स्मार्टफोन है मेरे को काफी ज्यादा पसंद आया, और बेस्ट स्मार्टफोन फॉर गेमिंग भी हो चुका है ये भी अंडर 20,000 रुपीज, क्योंकि 20,000 रुपए के अंदर कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो आपको 90 FPS ऑफर कर रहा हो भाई। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से आपको ये वाला स्मार्टफोन रेकमेंडेड रहने वाला है, जरूर से चेकआउट कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। फिलहाल अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर कमिंग सून है, जैसे आएगा तो फटाफट बाय कर लेना भाई। बाकी यार आज वाली वीडियो के अंदर सिर्फ इतना बताना था, उम्मीद करता हूँ जो आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे अमेजिंग अमेजिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, 4 लाख सब्सक्राइबर करा दो जल्दी इस चैनल के ऊपर। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।